नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसका हमारा मकसद यही है बस कि आपको ये दिखाया जाए कि जो ई रिक्शा का कंट्रोलर है या बैटरी से चलने वाली जो स्कूटी होती है उसका जो कंट्रोलर होता है, चाहे 48 वोल्ट हो, 60 वोल्ट हो या 72 वोल्ट वाला, उसमें उसको ऑन टेबल चेक करने का जो तरीका है वो बताने जा रहा हूँ। जब वो रिपेयर होने के लिए आता है तो उसको हम ऑन टेबल कैसे चेक कर सकते हैं कि वो चलेगा या बिल्कुल वो रिपेयर सही हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इसके लिए आती है ये ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस। इसमें ये आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, ये ग्लो कर रहा है। इसका मीनिंग यही है कि इसमें सप्लाई आ चुकी है कंट्रोलर में। ये हमने अभी अडाप्टर से इसको सप्लाई दी हुई है 48 वोल्ट की। ये जो डिवाइस है इससे हम थ्रोटल को भी टेस्ट कर सकते हैं अलग से कि वो सही है या सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जो मोटर होती है ई रिक्शा की या ई बाइक की, उसको भी अलग से टेस्ट कर सकते हैं कि वो मोटर ठीक है या उसमें कोई फॉल्ट है। कंट्रोलर भी कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही इस डिवाइस से कर सकते हैं। इसके लिए हमको कनेक्शन रिक्वायर होते हैं, जो हॉल सेंसर वाले होते हैं कनेक्शन, वो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये इधर लिखा हुआ है कंट्रोलर हॉल लाइन्स, इसमें ये कनेक्शन दे देने हैं। ये मोटर की जो फेज वायर होती हैं तीन हमारी, उसके कनेक्शन ये हैं। ये हमने यहाँ से छील के लगा दिए हैं, इधर लगता नहीं है ये जो क्लिप है। अभी हम जैसे ही इसको थ्रोटल का भी कनेक्शन ये हमने कर दिया है कंट्रोलर के साथ, तो जैसे ही हम थ्रोटल देंगे ये जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक करने लगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अभी ओके है, वर्क कर रहा है। तो इसको हम थ्रोटल को देते हैं। ये देखो, ये जो 6 LED हैं ये वर्क कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये कंट्रोलर बिल्कुल सही है। इसको बस हम जो BLDC मोटर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे और ये सही चल जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था। आपको ऑन टेबल कंट्रोलर को कैसे चेक करना है इसके बारे में बताना था। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मोटर को इस डिवाइस से कैसे टेस्ट किया जाता है कि वो सही है या नहीं है, और थ्रोटल है जो ये अकेली थ्रोटल को इस डिवाइस से कैसे टेस्ट किया जाता है कि थ्रोटल हमारी सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकॉन दबा दें, तो जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।